शहर के कमाटी बाग स्थित आए हुए प्राणी संग्रहालय में 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीवन प्राणी सप्ताह मनाने के भागरूप आज वडोदरा के अनाथ आश्रम तथा दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क जू दर्शन का आयोजन किया गया। शहर के कमाटी बाग स्थित प्राणी संग्रहालय में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 68वां वन्य जीवन सप्ताह का आयोजन किया गया है। जो वन्य जीवन सप्ताह को मनाने के भागरूप प्राणी संग्रहालय सत्ताधीशों द्वारा विशेष आयोजन किए हैं, जिसमें वडोदरा के अनाथ आश्रम, दिव्यांग सहित अन्य संस्थाओं के बच्चे और लोगों को यहां पर प्राणी संग्रहालय की मुलाकात निःशुल्क यानी कि दर्शन करवाने के लिए आयोजन किए हैं। वडोदरा महानगर पालिका म्युनिसिपल कमिश्नर की सूचना अनुसार 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वन्य जीवन सप्ताह को मनाते हुए 5 अक्टूबर को आज जिला बाल सुरक्षा एकम वडोदरा के बच्चों द्वारा सयाजी बाग जू की मुलाकात ली गई, जो ये मुलाकात के दौरान बच्चों को जू में विविध प्राणी और पक्षियों के बारे में विशेष जानकारी दी गई थी, जहां बच्चे वन्य जीवन के बारे में माहितीगार हो और उनके भी आत्मविश्वास में बढ़ावा हो, वैसे आशय से इस प्रकार का आयोजन किया गया था, जहां आज करीबन 10 जितनी संस्था के 192 जितने बच्चे और लोगों ने निःशुल्क प्राणी संग्रहालय की मुलाकात लेते हुए भरपूर मजा उठाया था। नमस्कार, हूँ जनाव मागीश के माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब श्रीना नेतृत्व हेठ श्री सयाजीबाग प्राणी संग्रहालय 67वां वन्य प्राणी सप्ताह की उजवणी कर रही है। आ वन्य प्राणी सप्ताह उजवणी हेठ माननीय कमिश्नर साहेब श्रीनो एक नवीन अभिगम हतो के सरकार संचालित जे अनाथ आश्रमों छे, दिव्यांग बाळकोनी संस्थाओ छे अने मानसिक दिव्यांग बाळकोनी संस्थाओ छे, एवा बाळकोने आपणे झूनी मुलाकातनो लाभ आपीए એટલે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા વિભાગ સાથે સંપર્ક કરી અને એ સમાજ સુરક્ષા વિભાગના સહકારથી આપણે તેમના હસ્તકની અંદાજે 10 સંસ્થાઓ જે છે તેના 195 બાળકોને આપણે ઝૂની મુલાકાતનો લાભ આપેલ છે। આ બાળકોને ઝૂની મુલાકાત કરાવી, તેમને વન્ય પ્રાણીઓ વિશે જાગૃત કરી, તેની માહિતી આપી અને આ બાળકોને પણ વન્ય પ્રાણીઓ શું છે, ઝૂ શાના માટે હોય છે, જૂનો સમાજમાં શું ભાગ ભજવે છે, એ તમામ વિશેની માહિતી આ બાળકોને આપણે વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ દરમિયાન આપનાર છે અને માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબશ્રીનો જે અભિગમ છે, આ નવીન એક જે સૂચન છે એને આપણે બહુ સારી રીતે આપણે એને પાર પાડીએ છીએ।